This video lecture is sponsored by studywithcoach.com, which provides the best quality video lecture at affordable price with free trial, notes, and test series. To know more, just visit studywithcoach.com. अब हम बात करते हैं CS कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में. ये जो पूरा CS का कोर्स है, ये तीन लेवल्स में डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है फाउंडेशन लेवल, दूसरा पार्ट है CS का एग्जीक्यूटिव लेवल और तीसरा है प्रोफेशनल लेवल. तो अगर आपने 12th पास किया है और CS करना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन यानी फर्स्ट लेवल में एडमिशन लेना है. लेकिन अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव लेवल में, दैट इज सेकंड लेवल में एडमिशन ले सकते हैं. ये अगर तीनों लेवल देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है CS का सेकेंड लेवल, दैट इज CS एग्जीक्यूटिव. इसी में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा नॉलेज मिलता है और मैं ये कह सकता हूं कि यहां से ही स्टूडेंट जो है वो एक प्रोफेशनल में ट्रांसफॉर्म होता है. तो ये लेवल की आपको स्टडी बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए. CS एग्जीक्यूटिव लेवल में टोटल 8 पेपर्स होते हैं जो दो मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2. मॉड्यूल 1 में 4 पेपर्स हैं, मॉड्यूल 2 में 4 पेपर. इस तरह से टोटल 8 पेपर्स आपके CS एग्जीक्यूटिव में हैं. अभी इसकी एग्जाम की अगर बात करें तो साल में दो बार इसकी एग्जाम होती है, एक होती है जून में और दूसरी होती है दिसंबर में. जून में जो एग्जाम होती है वो 1st से लेकर 10th जून तक हो जाती है और दिसंबर की एग्जाम जो होती है वो 20th दिसंबर से ऑलमोस्ट 30 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाती है. इनका जो रिजल्ट आता है वो भी एक फिक्स डेट को आता है, यानी अगर जून में एग्जाम दी है तो उसका 25th अगस्त को रिजल्ट आ जाता है और अगर दिसंबर में एग्जाम दिया आपने तो उसका रिजल्ट 25th ऑफ फेब को आ जाता है. और एक बात जो आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन हॉलीडेज यहां पे कुछ हैं, यानी कि पब्लिक हॉलीडेज अगर आते हैं एग्जाम के बीच, संडे या क्रिसमस या ईद उल फितर, इस तरह के पब्लिक हॉलीडेज को कोई भी पेपर नहीं होता, उस दिन आपकी छुट्टी रहती है. ये सारी एग्जाम्स जो भी होती हैं सीएस की वो एग्जामिनेशन सेंटर्स पे ही होती हैं. तो ये एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है ऑल ओवर इंडिया में, इसकी मैंने लिस्ट दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर सकते हैं.